नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। दोपहर के दो बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, जयपुर राज्य सरकार पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार की तर्ज पर कम नामांकन वाले विद्यालयों को मर्ज करेगी। शिक्षा विभाग में 25 से कम नामांकन वाले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में करीब 580 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का नामांकन 25 से कम है। शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर शिक्षा विभाग ने यह डाटा एकत्र किया है। इन स्कूलों में वास्तविक नामांकन की रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक से मांगी है। अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अशोक सांगवा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार से भी ऐसे स्कूलों को मर्ज कर बंद किया था जिनका नामांकन 50 से कम था। पूर्ववर्ती सरकार में बंद किए गए 19,754 विद्यालय भवन खाली पड़े हैं। वसुंधरा सरकार ने 22,200 प्राथमिक विद्यालय बंद एवं समन्वित किए गए थे। शिक्षा विभाग ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को 30 अक्टूबर तक 0 नामांकन, 0 से 5 नामांकन, 6 से 10 नामांकन, 10 से 15 नामांकन, 15 से 25 नामांकन वाले विद्यालयों को जिले एवं ब्लॉक कवार संख्या का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इस काम के लिए 29 व 30 अक्टूबर को कार्यालय खुले रखे होंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजनी होगी। रिपोर्ट में कम नामांकन वाले ऐसे विद्यालयों को नजदीकी राजकीय विद्यालय से दूरी का विवरण भी चाहा गया है। ऐसे आशंका व्यक्त की जा रही है कि ऐसे न्यून नामांकन वाले विद्यालयों को के पास के विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि दूसरी ओर जन घोषणा पत्र 2018 में राज्य सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा मर्ज की गई लगभग 20,000 स्कूलों को फिर से खोलने का वादा किया गया था। पूर्व सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के नियमों के विरुद्ध बंद किए स्कूलों को खोलने का प्रक्रिया गहलोत सरकार ने दोबारा शुरू की थी। शिक्षा विभाग ने 495 राजकीय प्राथमिक व उप विद्यालयों और 473 प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोला था। मुख्यमंत्री ने जन घोषणा पत्र के अंतर्गत गत सरकार ने एकीकरण के नाम पर बंद किए गए विद्यालयों को फिर से सीमित गठित पर प्रस्ताव मांगे थे। राजनीतिक दबाव के चलते सरकार ने इन स्कूलों को खोला तो दिया, लेकिन नामांकन नहीं होने से अब फिर से ऐसे स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, बिहार में जमुई से महापर्व छठ के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हैं। यह एकता जिला के अरसार पंचायत में दिखा। अरसार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद शमशाद आलम छठ पूजा में काफी मदद कर रहे हैं। जिले में घनी मुस्लिम आबादी क्षेत्र में अरसार में मुखिया प्रतिनिधि ने अपने निजी कोष में छठ घाट का मरम्मत और सौंदर्यीकरण का काम कर रहा है। ऐसे घाट का निर्माण करवाया है कि पूरे जिले में देखने के लायक है। ऐसा सुंदर छठ घाट जिले में पहली बार बनाया गया है। जिले में ऐसे छठ घाट की खूब चर्चा हो रही है। गांव के लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक यहां छठ पर्व ऐसे व्यवस्थित घाट नहीं बनाया गया। पिछले वर्ष भी भांति इस वर्ष भी दिवाली के शमशाद आलम ने घर घर जाकर लोगों को बधाई दी। छठ में पूरे पंचायत में लोगों को यथा संभव सहयोग करने का वादा किया था। शमशाद ने कहा कि मैं इंसान हूँ, लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। मैं ईमानदार पूर्वक अपना वादा निभा रहा हूँ। मेरे रहते लोगों को ना किसी व्यवस्था की कमी होगी, ना तो भाईचारा में खलल पड़ने दूंगा। शमशाद के कार्य के सरपंच प्रतिनिधि जावेद आलम, पंचायत समिति सदस्य अतीकुल रहमान, संजय यादव, समाज सेवी गुफरान, रुस्तम अली, अरमान मलिक, कामरान मलिक, सीता राम पासवान, महेंद्र ठाकुर सहित ग्रामीणों के कार्य की सराहना की। बता दें कि छठ के दूसरे दिन खरना के भोग लगता है। यह खरना के तात्पर्य शुद्धिकरण। छठ का व्रत करने वाली व्रती नहाए खाए के दौरान पूरा दिन उपवास रखकर केवल एक ही समय भोजन ग्रहण करती है ताकि शरीर से लेकर मन तक की शुद्धि हो सके। इसकी पूर्वता अगले दिन यानी खरना वाले दिन होती है। इस दिन व्रती साफ मन से अपने कुल देवता और छठी मैया की पूजा करके उन्हें गुड़ की बनी खीर का प्रसाद ठेकुआ चढ़ाती हैं। आज के दिन शाम होने पर गन्ने का जूस या गुड़ के चावल या गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर बांटा जाता है। प्रसाद की ग्रहण करने के बाद व्रतिया को 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना वाले दिन विधि विधान में से रोटी और गुड़ की खीर का प्रसाद तैयार करना चाहिए। खीर के अलावा पूजा के प्रसाद में केला मूली भी रखना लाभकारी माना जाता है। इस दिन मिट्टी के चूल्हे पर आम की
लकड़ी को जलाकर प्रसाद तैयार करना शुभ माना जाता है। भगवान गणेश और सूर्य नारायण प्रसाद के रूप में तैयार प्रसाद को चढ़ाया जाता है। इस दिन प्रसाद के छठ व्रतीय किसी को बुलाए नहीं बल्कि खुद घर जा जाकर प्रसाद पहुंचाए। खरना और छठ पर्व के दौरान घर से सदस्यों को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। रात को भी घर के सदस्य छना हुआ खाना ही खाएं। व्रत रखने वाली महिला या पुरुष को जमीन पर सोना चाहिए। तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज।